चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या करा, अ व्हील ऑफ रेडियस 0.2 मीटर इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आफ्टर अ रोटेशन ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, द रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। रेडियल एक्सेलरेशन का मतलब जो है क्या होता है, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन AC। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, वी स्क्वायर बाई आर भी होती है, आर ओमेगा स्क्वायर भी होती है, वी इंटू ओमेगा भी होती है। सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो उसका रेडियस जो है, व्हील का रेडियस है 0.2 मीटर, रेस्ट से चलना शुरू कर रहा है और उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन इतना है। तो अगर सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन आपको निकालना है तो आर ओमेगा स्क्वायर या वी स्क्वायर बाई आर या वी इंटू ओमेगा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ओमेगा निकालते हैं। ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू ये दी हुई है, ये अल्फा की वैल्यू दी हुई है 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू दी है पाई बाई 2। रेस्ट से चलना शुरू कर रहा है इसलिए ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि रेस्ट से चलना शुरू कर रहा है, रेस्ट से चलना शुरू कर रहा है। तो ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा की वैल्यू 1 इंटू थीटा की वैल्यू पाई बाई 2। तो 2 कटा, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई, ओमेगा फाइनल मतलब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू पाई। ये वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पर। आर की वैल्यू है 0.2 मीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है पाई इंटू पाई, तो सेंट्रिपेटल यानी रेडियल एक्सेलरेशन 0.2 पाई होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।